बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं व्हाट्सअप बॉलीवुड। कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण पैंडेमिक की वजह से बैंकक्रप्ट हो गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 18,000 रुपए ही बचे हैं। ऐसे में ये खबर उनके फैंस और दोस्तों के लिए काफी शॉकिंग थी, लेकिन अब आप ये जानकर राहत महसूस कर सकते हैं कि ये खबर सही नहीं है। इतना ही नहीं, आदित्य नारायण ने इन सभी खबरों को खारिज करते हुए क्या कहा, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरी खबर। सिंगर और टेलीविजन होस्ट आदित्य नारायण गलत वजह से सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पैंडेमिक के चलते वो बैंकक्रप्ट हो गए हैं और अब उन्होंने इस खबरों पर अपनी सफाई देते हुए इसे गलत बताया। इस न्यूज आर्टिकल के अनुसार उन्होंने कहा था कि हर किसी की तरह कोरोना वायरस लॉकडाउन ने उन्हें फाइनेंशियली इफेक्ट किया है और उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनके खाते में अब सिर्फ 18,000 रुपए बचे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर वो अक्टूबर तक काम शुरू नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अपनी बाइक जैसे पर्सनल सामान को बेचना शुरू करना पड़ेगा। अब इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में आदित्य ने कहा कि खबरों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। उन्होंने कहा, जब से ये खबर आई है तभी से मेरा फोन बजे ही जा रहा है, कई लोग मेरे मदद के लिए सामने आ रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। तकरीबन एक महीने पहले एक इंटरव्यू में मैंने लॉकडाउन की वजह से आम जनता को हो रही परेशानियों के बारे में बात की थी। उस बातचीत में मैंने ये जरूर कहा था कि हम सेलिब्रिटीज को भी लॉकडाउन से नुकसान हो रहा है, हमें भी काम मिलने में मुश्किल हो रही है। मजाक में मैंने उनसे यूं कह दिया था कि मेरे अकाउंट में थोड़े ही पैसे हैं, मुझे भी घर की ईएमआई देनी होती है, मैं भी बैंकक्रप्ट हो गया। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा बना दिया जाएगा इसे। एक महीने बाद मेरी शादी होने वाली है, ऐसी बात बोलने का मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। ऊपर वाले की दुआ से मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे फिलहाल पैसे की कोई कमी नहीं है। वहीं टेलीचक्कर से बात करते हुए आदित्य ने कहा कि उन्होंने 20 साल लगातार काम किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके पास पैसे ना हो। आपको बता दें, ओरिजिनल इंटरव्यू में आदित्य ने आखिर क्या बयान दिया था। बॉलीवुड बबल से बातचीत में आदित्य ने कहा था, अगर सरकार लॉकडाउन आगे बढ़ाती है तो लोग भूखे मरने लगेंगे, मेरी पूरी सेविंग खत्म हो गई है, जो पैसा मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था वो भी मैंने गुजारे के लिए पूरा निकाल लिया है। ये किसी ने नहीं सोचा था कि मैं एक साल तक काम नहीं करूँगा। कोई इस तरह से प्लान नहीं करता जब तक कि आप कोई अरबपति ना हो, इसलिए कोई चॉइस नहीं है। मेरे खाते में सिर्फ 18,000 रुपए बचे हैं। अगर अक्टूबर में मैं काम शुरू नहीं करता हूँ तो मेरे पास कोई पैसा नहीं होगा, मुझे अपनी बाइक या कोई सामान बेचना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। आखिर में आपको कुछ कठिन फैसले लेने होते हैं, जब आप कठिन फैसले लेते हैं तो कुछ निश्चित लोगों का एक वर्ग होगा जो ये कहेगा कि ये फैसला गलत है। बता दें, आदित्य नारायण ने पिछले दिनों अपनी और श्वेता अग्रवाल की शादी का ऐलान किया था। वेल, इस न्यूज रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।